जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, जो आज का वीडियो है उन लोगों के लिए जो एसएससी जीडी 2021 की तैयारी कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस बार जैसे अमित शाह जी ने भी बोला था, उनके जो भाषण हुआ था अभी, उसमें उन्होंने भी बोला था कि अगले 5 साल में जितने जवान रिटायरमेंट होने वाले हैं उनकी भर्तियाँ करेंगे हम इसी 1-2 साल के अंदर अंदर, यानी वैकेंसी बहुत बड़ी आने वाली है। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपको तैयारी करनी चाहिए। होता क्या है दोस्तों कि 90% लोग क्या करते हैं, उन लोगों से जैसे अगर आप खाती के पास जाके बोलोगे कि मेरी पेंट सिल दो, तो खाती नहीं सिलेगा पेंट, क्योंकि पेंट तो टेलर सिलेगा। होता क्या है कि 90% लोग ऐसी जगह से जाके जानकारी लेते हैं जिनको खुद को नहीं पता कि एसएससीजीडी के बारे में होता क्या है, क्या इसकी प्रोसेस है, किस प्रकार से पेपर का लेवल होता है, कौन सी बुक पढ़े। जो बंदा जो चल रहा है वो अपना ही बताता रहेगा। अगर आप जिस कोचिंग में जाओगे वो अपनी कोचिंग की बुक्स बताता रहेगा, चाहे उस कोचिंग की बुक्स का जो लेवल है वो चाहे बैंक का हो या ट्रेड्समैन का हो या एसएससीजीडी का हो, मिक्स कर देता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके पास में 180 दिन है, 180 दिन में डेली ओनली 3 से 4 घंटा या 5 घंटा पढ़ाई करके 101% 90+ स्कोर कर सकते हो एसएससी जीडी में, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कौन सी आप बुक खरीदें, कौन सी टेस्ट सीरीज खरीदें, किस प्रकार की आपको बुक कौन सी लेनी चाहिए, ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करनी चाहिए और पूरा का पूरा किस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। दोस्तों, होता क्या है कि आपको पता ही नहीं है कि आपको पढ़ाई करने किस तरह, आप अगर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, आपको पता है कि 1 घंटे क्लास में आधा घंटा तो फालतू की बहस होती है ऑनलाइन क्लासों में, तो आपको पता ही नहीं, आपका टाइम ज़्यादा उधर ख़राब हो जाता है। और अगर आप चाहिए 8 घंटे ऑनलाइन क्लास ले लो, लेकिन लास्ट में होगा क्या, सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी ना दोस्तों, इसलिए ज़्यादा ऑनलाइन क्लासें नहीं लेनी है। मैं आपको बताऊँ उस तरीके से आप एसएससीजीडी की तैयारी करिए, 101% आपका प्रॉफिट होगा, 90+ स्कोर होगा, एनआईए भी आप क्रॉस कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको पढ़ना कैसे है, तो दोस्तों जैसे हम शुरुआत से बात करते हैं कि इसका जो सिलेबस है, आपको पता है 4 पार्ट है इसके सिलेबस का, 4 पार्ट में रीजनिंग, मैथ, जीके और हिंदी, बहुत ही ईजी सिलेबस है। इसके लिए आपको कौन कौन सी बुक लेनी चाहिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए आपको किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है, प्रैक्टिस सेट, किरण पब्लिकेशन प्रैक्टिस सेट रहते हैं। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है रीजनिंग की, वो ज़रूर आप खरीद लीजिए दोस्तों, बहुत ही शानदार बुक है वो, उसमें आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलता रहेगा। उससे होगा क्या, आप रीजनिंग की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों उस रीजनिंग की तैयारी में, जैसे आप अगर मान लो कोई क्वेश्चन देख रहे हो, तो जिस का आप क्वेश्चन देख रहे हो, अब उसमें जहाँ पर आप फंसे हो, जैसे रिलेशन वाले में आप फंस गए हो या कैलेंडर में अगर आप फंस गए हो, तो दोस्तों जहाँ पर आपके रुकावट आती है वही चीज़ जाके आपको ऑनलाइन सर्च करनी है और वही चीज़ ऑनलाइन से देखनी है, इसीलिए आपका टाइम कम लगेगा और चीज़ें ज़्यादा सीखोगे, पूरे दिन ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़ो। दोस्तों, एक चीज़ और बता देता हूँ साथ में कि मैं सिलेबस तो बता रहा हूँ, इसके साथ में आपकी टेस्ट सीरीज होना बहुत ज़रूरी है, और आज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि ऑफलाइन जो टेस्ट होते हैं उनका कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में टाइम चलता रहता है और बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है। आपको मैं बता रहा हूँ कि एक परीक्षा की ऐप है, उसकी जो टेस्ट सीरीज है ऑनलाइन एसएससीजीडी के लिए शानदार टेस्ट सीरीज है, अगर आप चाहो तो परचेज कर सकते हो, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसकी टेस्ट सीरीज है, आपको ज़्यादा इसका पैसा भी नहीं है, बहुत ही नॉर्मली पैसा है, मतलब 150 रुपये के चार्ज में आपको 30 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज मिल रही है, बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है। नीचे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप उसमें मेरा प्रमो कोड यूज़ कर सकते हो कमांडो 50, उससे आपको 50% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो आपको टेस्ट सीरीज होना जरूरी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज से क्या होगा, आपको पता चलेगा किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उसमें ओल्ड क्वेश्चन पेपरों को भी दे रखा है और नए पेपर को पैटर्न भी दे रखा है दोस्तों। तो आप जाके जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करके और अपनी टेस्ट सीरीज से एक बार टेस्ट देके देखिए, ताकि आपको पता लगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और किस प्रकार से टेस्ट होते हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग के लिए, मैंने बता दिया कि आप किरण पब्लिकेशन की बुक खरीद लीजिए, उसे आपके लिए शानदार रहेगा, उसे प्रैक्टिस करना, जहाँ पर आप रुके वहीं पे आप ऑनलाइन जाके देखिए दोस्तों। इसके बाद में मैथ के लिए जैसे राकेश यादव की बुक आती है, आपको पता है राकेश यादव की जो नोट्स बुक आती है जिसमें लिखा हुआ रहता है, वो आप मतलब नॉर्मल मैथ के लिए ले लीजिए, एडवांस मैथ के लिए वो आपके लिए थोड़ी टिपिकल हो जाएगी अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो। अंकगणित के लिए वो ले सकते हो, और आपको पता है एसएससीजीडी में अंकगणित का ही ज़्यादा भार रहता है, या अगर आप आर के अग्रवाल
आरएस अग्रवाल की भी बुक लेते हो, सॉरी आरएस अग्रवाल की अगर बुक लेते हो वो भी शानदार बुक है, उससे आप तैयारी कर सकते हो। रामनिवास माथुरिया की भी अगर एसएससी जीडी के लिए अगर आप बुक लेते हो तो वो भी ठीक है, उसमें थोड़ा सा ट्रिक है, लेकिन अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो उससे भी आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। तो ये तीन बुक है मैथ की, इन तीनों में से आपकी जो इच्छा हो वो ले सकते हो, तीनों ही बुक अच्छी है, इनसे आप तैयारी कर सकते हो दोस्तों। लेकिन एक बार ध्यान रखें दोस्तों, पहले बुक से तैयारी करें, अगर जहां आपको प्रॉब्लम दिखे तब ऑनलाइन जाके उसी टॉपिक को डालें। अब अगर आपको ऑनलाइन क्लास लेनी है तो जैसे राकेश यादव सर पढ़ाते हैं ऑनलाइन भी, उनकी भी आप क्लास ले सकते हो, और भी मैथ के आपको मेरे से भी ज़्यादा पता होगा, मैथ आपकी जिसकी भी समझ में आती है अच्छी अच्छी, और जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल फौजी मैथ अकेडमी उस पर भी मैथ और रीजनिंग की क्लास में चलाता रहता हूँ, तो उस पर भी आप जाके देख सकते हो, क्योंकि मैं उस पर केवल इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं एसएससी जीडी के लिए स्पेशली उनका अभ्यास कराऊंगा आपको, तो वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों मैथ की आप देख सकते हो, और इसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है। उसके बाद में अगर आप जीके की लो तो आपको मैं बता दूं कि एसएससी जीडी में 100% क्वेश्चन जीके के सिर्फ लूसेंट से ही आते हैं। तो लूसेंट की आप दोनों बुक ले लीजिए, वस्तुनिष्ठ और समसामयिक, मतलब जो डिटेल से पढ़ते हैं वो भी, और वस्तुनिष्ठ, ये दोनों बुक ले लीजिए। 101% बोल रहा हूँ कि जीके लूसेंट से बाहर नहीं जाता एसएससी जीडी का कभी भी। तो दोस्तों जीके के लिए आप ये बुक परचेज कर सकते हो, करंट अफेयर्स के लिए आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो, या डेली करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। तो ये तैयारी आपको अभी से करनी होगी, 180 दिन में अगर आपको नंबर प्लस लाना है तो अभी से तैयारी करनी होगी, कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, मालिक सीचे सो गड़ा ऋतु आए फल हो, तो धीरे धीरे अभी से ही तैयारी करनी पड़ेगी। अगर अभी से तैयारी नहीं करोगे दोस्त तो फिर मुश्किल हो जाएगा। साथ ही बता दूं, अब जैसे अगर आप मान रहे हो कि अब बची हिंदी, तो हिंदी के लिए आप कोई सी भी बुक ले सकते हो, क्योंकि हिंदी की ग्रामर है, नॉर्मल किसी बुक को स्पेशलिस्ट बुक है नहीं हिंदी की। आप ऑनलाइन क्लास भी अगर आप लो तो लो, नहीं लो भी तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन आप हिंदी की भी बुक लेना है तो वो आप अपनी स्वेच्छा से लिख सकते हो। लूसेंट की भी आती है और भी कई प्रकार की आती है, लेकिन आप हिंदी की लूसेंट की बजाय कोई दूसरी खरीदना, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हिंदी की और शॉर्ट जो बुक आती है छोटी वाली, वो शानदार बुक है, तो वो आप परचेज कर लीजिए दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है दोस्तों, ये बुक्स खरीदनी है, और डेली अगर आप 4 से 5 घंटे पढ़ते हो तो गारंटी है मेरी 180 दिन का समय आपके पास में, 180 दिन में आप 90+ स्कोर कर सकते हो, और आपको करना ही होगा अगर आपको एसएससी जीडी की जॉब चाहिए तो आपको करना ही पड़ेगा ये तो, क्योंकि इस बार के आपने मेरिट देख लिए, 99 नंबर भी है लोगों के नॉर्मलाइजेशन के बाद में, लेकिन इस बार का नेगेटिव माइनस रहा तो भी आपको तैयारी करना अभी से पड़ेगा, क्योंकि लास्ट के तीन, अगर आपको लग रहा है कि मैं बाद में लास्ट के 3 महीनों में तैयारी कर लूँगा तो ऐसा हो पाना बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ आपको लगता है लेकिन ऐसा हो पाना बहुत मुश्किल है मेरे दोस्त। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, 180 दिन का समय कम नहीं होता, इस प्रकार से आप तैयारी करिए, गारंटी है मेरी आपका 90+ स्कोर हो जाएगा दोस्तों, चिंता करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, अंत में जाके कुछ नहीं होगा। अगर नेगेटिव मार्किंग रहती है या नहीं भी रहती है तो भी तैयारी की आपको सख्त ज़रूरत है, अगर रहती है तो फिर तो और ज़्यादा ज़रूरत है, और आपको पता है इस बार नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस एसएससी जीडी में बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो इसीलिए जो मैंने बुक्स बताई है, अगर आप पहली बार तैयारी करो तो इनसे ज़रूर तैयारी करें, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है और अच्छे से आपकी तैयारी होगी। और भी आगे नई नई कोई अगर बुक्स या कोई टेस्ट सीरीज आएगी उसके बारे में आपको बताता रहूँगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।